फिल्म तो अच्छी है, तो ये एक्सपेरिमेंट है पिक्चर का, कैसे क्या किया लास्ट तक, तो मतलब बहुत सारा इसमें डेप्थ है फिल्म में। अलग अलग करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी चल रही थी, 3-4 सेगमेंट में था, बहुत ही शानदार था, बहुत ही बेहतरीन था। न्यू कंसेप्ट था, वो टॉलीवुड मूवी है शायद, तो उसके हिसाब से अच्छा था, मतलब वहीं से आता है मोस्ट ऑफ द इनोवेटिव मूवी, तो वो अच्छा था। जैसे वो 3 टैटू 3 लाइफ्स, द गर्ल डाइज 1 टाइम राइट, एंड इन द सेकेंड टाइम द 3 of the shooters, 1 of them डाई, सो ही वंस अगेन गॉट रिवाइव्ड एंड 3 of them गॉट चांस, वाइल गर्ल्स गर्ल ओनली गेट्स 1 चांस, दैट्स तप्सी पन्नू। सो आई थॉट दे शुड हैव किल्ड 1 of the shooter इन द सेकेंड एंड इन लास्ट ओनली 2 should be remaining, इट दे रादर केप्ट इट 3, सो दैट वाज लिटिल अनफेयर आई गेस। हाँ, काफ़ी अच्छी मूवी थी, काफ़ी सस्पेंस था, काफ़ी थ्रिलर था इस मूवी में, काफ़ी एंड तक काफ़ी ग्रैस्पिंग था मूवी, और 4 स्टार्स दूंगी मैं इसको। तप्सी पन्नू की एक्टिंग तो हम अच्छी है ही, पिंक वगैरह सब देखा हुआ है, तो ये एक और ऐड हो जाता है उनके करियर में। मूवी अच्छी थी, साइकोलॉजी बेस्ड मूवी थी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था। मूवी का एंड थोड़ा ठीक ठाक था, समझ में नहीं आया, मतलब एंड वाज नॉट गुड, थोड़ा और अच्छा करते थे और अच्छा रहता। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, मतलब वीडियो गेम के थ्रू जो उन्होंने क्रिएट किया अच्छा लगा है। तापसी पन्नू ने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन सेकंड हाफ में बस जो क्लाइमेक्स है वो तो बहुत ही फिजी है, मज़ा नहीं आया, होल्ड नहीं कर पाए, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने फैला तो बहुत कुछ दिया हॉलीवुड की तरह ना, क्रिएट भी अच्छा किया, वन लोकेशन पर बहुत अच्छा ड्रामा है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, एक्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन सेकेंड हाफ में जो फ्लैशबैक ही चलता रहता है, वो जब क्लियर होता है तो क्यों क्या मोटिव क्या था क्या, वो क्लियर ही नहीं होता है, मज़ा नहीं आया। हाँ, एक्टिंग तो फुल की, बट डायरेक्शन उतना कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, बट अगर वो कॉन्सेप्ट में अगर और थोड़ा आगे, अगर मूवी और थोड़ी ज़्यादा चलती तो एंड अगर अच्छा दिखाते, मतलब बताया क्या है कि एंड कैसा है, उसको 3 लाइफ कैसी मिलती हैं, वो अगर एंड बताते तो फिर और अच्छा होता और अच्छा मिलता। बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, जो मेहनत की है वो दिखता भी है, अगर एक एक्टर के तौर पर, अभिनेता के तौर पर आप मेहनत करते हैं तो वो दिखता है, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, सभी एक्टर्स ने अच्छा किया है, करेक्टर्स का चुनाव बहुत ही अच्छा था, और बेहतरीन लगता है शायद पार्ट 2 बने। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहानी कहीं नहीं छोड़ रही है, ख़त्म हो रही है, लेकिन जब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये कहानी अलग जा सकती है। अब बना मेकर पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो बना सकते हैं, अलग अलग लॉजिक देकर कुछ भी किया जा सकता है। 5 में से 4, 2 मेरे तरफ से 3, 4।